नमस्कार एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं आज हम ठीक है आपने देखा होगा जब भी हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं तो यूट्यूब पे हमें ट्रेंड पे चलती हुई वी वीडियो या फिर वायरल होती हुई वी वीडियो दिख जाती है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक ही वीडियो में सारी ग्रामर का सिलेबस आपका जो होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा तो उसको कहते हैं वन रूल्स करके एक है उसमें वीडियोज मिल जाएंगे रूल्स पढ़ा दिए जाते हैं और आपको लगता है कि आपने पूरी ग्रामर खत्म कर ली है एक ही दिन में एक दो दिन में और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे क्या ये सही तरीका है या नहीं या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आई एस के ऊपर बात करते हैं आज पहले चीज समझ लेते हैं कि क्या रूल्स याद करके हमें इंग्लिश तैयार हो सकती है हमारी इंग्लिश तैयार तो इसका अगर मैं डायरेक्ट आंसर देना चाहूं तो इसका आंसर नहीं ही होने वाला है रीज़न ये क्योंकि आप रूल्स को रट्टा जितना मर्जी मार लीजिए वो नहीं होंगे आपको कम्प्लीट याद और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना इंग्लिश के तो उस टाइम पे हमें क्लिक होगा कि नहीं होगा कि वो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो क्लिक होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर आपको डाउट रह सकता है तो इसी जो इंग्लिश होती है ना उसको कंसेप्ट से बनाना जरूरी है ठीक है हर कोई ना जल्दी बाजी में रूल्स के पीछे भागता है उसे लगता है उसकी तैयारी हो चुकी है उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं चाहे आप जितना मर्जी रट्टा लगा लो बट आपको क्वेश्चन उसका जो कंसेप्ट है वो क्लिक नहीं होगा ठीक है एक सौ बीस बहुत होते हैं उसका आपका कंसेप्ट क्लिक नहीं होगा तो जब तक आप बहुत अच्छे से एक एक थ्योरीली कंसेप्ट के थ्रू नहीं जा रहे हैं तब तक आप विश्वास मत कीजिएगा कि एक वन ट्वेंटी रूल्स करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है देखिए जो वन ट्वेंटी रोल्स है ऐसा नहीं कहूँगी वीडियो बहुत ही बेकार है वन ट्वेंटी रोल्स उनके लिए बढ़िया है जिन्होंने एक बार सिलेबस कम्प्लीट कर लिया है और वो जल्दी से रिविजन करना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि नोट्स के थ्रू जाएंगे तो काफी ज़्यादा टाइम लग सकता है और नए नए क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे तो 120 ट्वेंटी रोल्स में आपको क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के मिल जाते हैं रोल्स पे अच्छे लेवल अच्छे से मिल जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया है क्योंकि उन्होंने पहले कंसेप्ट के थ्रू जा चुके हैं तो जैसे ही वो कोई रूल को देखते हैं तो उनके दिमाग में कंसेप्ट आ जाता है तो वो रूल याद नहीं कर रहे तो रोल से रिविजन कर रहे होते हैं अपने कंसेप्ट की तो उनके लिए वो चीज़ बढ़िया रहेगी बट अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो मेरी राय यही रहेगी ऐसा मत कीजिए इससे आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है खुद से जाके एक टीचर से पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और टीचर भी ऐसा ही चुनिएगा जो आपको कंसेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हो ना कि रट्टा लगवा रहा हो कि ये तो यही होगा ये तो यही होगा जैसे कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्यों आना चाहिए ठीक है आपके प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव टर्म क्यों आनी चाहिए कोई और चीज़ क्यों नहीं आ सकती है ठीक है जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे जनरली पूछा तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा आपने रट्टा लगा रखा होगा तो बहुत बढ़िया आप याद कर लेंगे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए और कुछ नहीं आ सकता और एक अलग तरीका हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है ठीक है प्रिपोजन के बाद ऑब्जेक्ट क्यों आता है प्रिपोर्शन ऑब्जेक्ट की मांग क्यों करता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे ना तो आप कंसेप्ट की मांग करने लगेंगे और आपको चीजें बहुत आसानी समझ आनी पड़ेगी और आपको याद नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आप इतने क्वेश्चन लगा चुके होंगे कि आपको दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है ठीक है तो ये चेस आप बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना नए नए इसमें भीड़ में भटक जाते हैं और रूल्स की तरफ भाग जाते हैं उनको लगता है वो दो दिन में अपनी वीडियो खत्म कर लेंगे और उनको सब कुछ आ जाएगा ऐसा नहीं होगा कंसेप्ट तैयार कीजिए उसके बाद रिविजन के लिए नोट माई पॉइंट रिविजन के लिए वन ट्वेंटी रूल्स वाली वीडियो देख सकते हैं वीडियोज बेकार नहीं होती है कोई भी टीचर के लिए कुछ नहीं बोल रही हो गलत वीडियो बेकार नहीं होती है बट जो बिल्कुल ही बिगिनर है उसको कुछ नहीं आता है वो जाके बैठ जाएगा रूल्स याद करने तो वो तरीका गलत है कंसेप्ट तैयार कीजिए पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए ऐसा टीचर चूज करिए जो तीन महीने में मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दे इससे ज़्यादा सिलेबस को खींचता हुआ ना जाए ठीक है इंग्लिश का सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ऐसे मत फंसते रहना कि छः महीने में ख़त्म करवाएंगे तो टीचर बहुत बढ़िया होगा अगर कोई टीचर छः महीने में सिलेबस खत्म करवा रहा है तो बहुत बढ़िया होगा ऐसा कुछ नहीं होता है इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो तीन महीने में कंप्लीट हो जाता है मैथ्स का सिलेबस चार से पाँच महीने इससे ज़्यादा एक महीना भी नहीं क्योंकि मैथ्स डिमांड ज़्यादा अच्छी करता है ठीक है जीएस का तो जितना कर सको उतना बढ़िया है जीएस के लिए तो ख़ास कोई ऐसा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है यूट्यूब काफ़ी अच्छा रहता है बट अगर कोई टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं तो उनसे जाके पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए भी आपको ज़्यादातर पीवाई वेक भी लगाने होते हैं ठीक है तो मैं तो इंग्लिश की ही बात कर रही हूँ बैच वही लीजिए दो से तीन महीने में आपका खत्म हो जाए मैक्सिमम महीने उसके बाद उसके रिविजन कर लीजिए और जब एग्जाम से थोड़ा ही टाइम बचा हो तो आप वन ट्वेंटी रूल्स देख सकते हैं लेटेस्ट वाली कोई वीडियो देख लेना क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड किया होगा तो आपको रूल्स याद नहीं करने होंगे आप रूल्स को देख के अपना पुराना कंसेप्ट याद करेंगे तो रूल्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा वो सिर्फ आपको एज अ क्लिक करवाने के लिए हमने क्या पढ़ा था वो हो जाएगा याद करने की कोशिश मत करना बट बिगिनर के लिए इसलिए मना कर रही हूँ ना वो जाते ही रूल्स को देखता है उसको लगता है मैं इस रूल को याद कर लू मैं इसको घोल पी जाऊं कि इसके बाद तो यही होगा इसके बाद तो यही होगा तो ऐसा नहीं होता है आपको अलग तरीके से सोचना होता है उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है ना उनको इस चीज की समझ नहीं होती कैसे तैयार करना है और मुझे लगता है कि मेरे चैनल में वो बच्चे भी हैं जो अभी सिर्फ ट्वेल्थ में ही हैं